cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है मेरे भाई की मेहंदी पर, और जो है अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून, और हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो 11 बजे की थी और हम लेट हो चुके हैं। सो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और रात में जो है काफ़ी देर होगी। हम जो है प्रैक्टिस करते रहे सबके साथ, तो प्रैक्टिस वाला टाइम मिल गया। पूरी रात नहीं सोए, लिटरली पूरी रात नहीं सोए प्रैक्टिस, और सबके साथ बैठे हुए थे सुबह तक। लड़के भाई के फ्रेंड्स वगैरह जो है डांस कर रहे थे, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मामा जो है बेटर है। मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी, और अभी जब मामा बेटर हैं, एंड टुडे इज़ माई मामाज बर्थडे एज वेल, सो विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मॉम। So we will be cutting mama's cake at the venue, at the mehndi. और ये आ रही हैं दो हसीनाएं। तो अभी जो है भूख भी लग रही है, और अभी नींद भी बहुत आ रही है। अब जो दिन में हमारा हाल होने वाला ना नींद से, वो हमें पता होगा। ये जो है शार्लेट की मेहंदी लगी है, और अभी इसने जैसा वैसलीन लगाई हुई है, और ये है मेरे जूते, और मेरी सारी मेहंदी जो है बच्चों की वजह से ख़राब हो गई है। सो सारे ब्लॉग को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। स्टे ट्यून्ड। सो वी आर ऑन द वे टू द सैलून, और आज हम जो है काशीश से तैयार हो रहे हैं। तो काफ़ी आज लेट हो गए हैं हम आते हैं। हमारी अपॉइंटमेंट जो थी 11 बजे की थी, और अभी जो है 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि यू नो लड़कियों का निकलना मुश्किल होता है, चीज़ें पैक अनपैक, बच्चे भी साथ हैं। तो पहुंच चुके हैं, और बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करनी है, फिर जो है हम ऊपर जाते हैं अपना मेकअप करवाने। तो आज मैं पहली दफ़ा जो है काशीज़ आई हूँ, और मुझे नहीं पता था कि अंदर से इतना अच्छा बना हुआ है यहाँ। काशीज़ की अलग ही दुनिया है अंदर, यहाँ कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और चूड़ियाँ सब कुछ अंदर ही अवेलेबल है। तो ड्रेसेस, क्या ड्रेसेस की भी साथ ही जो है बुटीक है, और सब कुछ अवेलेबल है, लैशेस और उनके मेकअप प्रोडक्ट्स सब कुछ अवेलेबल है अंदर ही। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है इनकी हेयर स्टाइलिंग वगैरह, हेयर कलर्स और कट्स वगैरह होते हैं, और सेकंड फ्लोर पे जो इनका मेकअप होता है। सो अभी हम सेकंड फ्लोर जाएंगे, वहाँ मेकअप करवाएंगे, और हमारा सामान इतना ज़्यादा है, हम 5 लड़कियाँ आई हैं, तो हमें जो है बैग्स बहुत सारे लाने पड़े हैं, और सामान संभालना ही जो है सबसे मुश्किल है। तो ये है कि जेसी भी साथ है, जेसी को भी हमें लाना पड़ा, और बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है नो डाउट। और जो है अब देखते हैं कितना टाइम हमें यहाँ लगता है, और कब तक हम फारिग होते हैं, क्योंकि हमें जो है जल्दी वेन्यू पे पहुँचना है, वहाँ पे डे लाइट में कुछ शूट वूट करवाना है। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से फारिग हों। सो गाइस, दिस इज़ माय ड्रेस फॉर टुडे, और मैंने चेंज कर लिया है, और लेंसेज भी पहने हैं, और मैंने लेंसेज जो है 4 सालों बाद पहने हैं, और लास्ट जो है समान पर शादी में पहनते, तो अभी जो है चेंज कर लिया मैंने मेहंदी, जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर लग रहा है। तो अभी जो है मैं मेकअप के बाद आप लोग से मिलती हूँ। जी हाजी, इसका मेकअप अभी हो रहा है। I hope I don't look horrible.
ज़िंदगी में पहली दफ़ा पैरों पे मेहंदी लगाई थी जो कि मेरी बेटी की वजह से ख़राब हो गई है। जो मेरी आइस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, मैं भूख लग रही थी तो मैंने तेज खा लिए हैं और मैंने उसको पूछना कैसे आंसर डन कर। मम्मी मम्मा इधर दिखाओ, नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो। मम्मा इधर आओ, ये मेरी मम्मा प्यारी सी प्यार हो गई। कांटे मैं चंदे पाओ तो बड़े भारे थे। तो जी मैं पूरा तैयार हो चुकी थी और अभी टाइम था रिव्यूज़ देने का। हेयर स्टाइलिस्ट को अलग रिव्यूज़ देने होते हैं और मेकअप आर्टिस्ट को अलग रिव्यूज़ देने होते हैं, तो वो रिव्यूज़ दे रही हूँ। और सो अभी जो है नेल पेंट लगवा रही हूँ, नेल्स लगवा के, और जो है आप सबको पता है मेरे नेल्स छोटे हैं क्योंकि मुझे जीडन के बाद से आदत ही नहीं हुई नेल्स बड़े करने की। मेहंदी और नेल्स की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो अभी जो है ओ नितिन यू आर लुकिंग सो प्रिटी। हम जाने लगे हैं, निकलने लगे हैं वेन्यू पे जाने के लिए और सब रेडी हैं। ये है मेरा बैग जो कि शॉर्टेड लाई है सब रेडी हैं मैंने, और ये बाजी बैठी हैं। बाजी दिखाओ और जैसा दिखाओ, ये हमारी जैसी मम्मी के साथ मैचिंग की है। ये मेरा नेथिन प्यारा प्यारा जा रहा है। नेथिन शो मी योर ड्रेस। हाँ बाजी के साथ और मेरे साथ मैचिंग की है जैसी ने मम्मी के साथ। हाँ हाँ सो अभी मिलते हैं आपको वहीं पे जाके। ओके जी निकल रहे हैं फाइनली आफ्टर 2 आवर्स वी आर फाइनली वी आर हियर एंड द डे हैज अराइव्ड, द डे वी वेटेड अ लॉट फॉर और so excited for this event. तो ये थी मेरी और जेसी की ड्रेसिंग, और जो है मैंने कहा माँ बेटी का शूट करवा लेते हैं। और मैंने जो है स्पेशली जेसी के लिए जो है मेहंदी के एक दिन पहले बहुत खवारी की कि मुझे सेम जेसी के जो है अपने जैसा ड्रेस मिल जाए, ऑरेंज मिल जाए कुछ। तो पहले तो बहुत मुश्किल हुई और साइज़ भी नहीं मिल रहा था और कलर भी नहीं था मिल रहा, बट एट लास्ट हमें जो है खवारी के बाद सेम कलर मिल गया। और जेसी जो है बहुत डॉल लग रही थी और थैंक्स गॉड बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई हमारी। तो ये थी हम तीनों बहनों की ड्रेसिंग, हम चारों बहनों का सेम ड्रेसेस थे और सिर्फ कलर्स डिफरेंट थे और सबने जो है एक स्टाइल रखा था, ज्वेलरी हेयर स्टाइल ड्रेसेस, ताकि हम सबको सब लोगों को पता चले कि हम जो है दूल्हे की बहनें हैं। तो जी स्टार्टर्स में हमारे पास आ गए हैं जूस और पापा और साथ आ गए हैं गोलगप्पे और बंद कबाब एंड चिकन बाइट्स। तो
शादी कर रहे हैं रस्म की। लास्ट ये लास्ट मिनट पे भी जो है मेरे गाने नहीं बने, क्योंकि अब जो है मेरे पास जेसी और जीतन है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो गाइज एंट्री हो रही है दूल्हे की, और इससे पहले जो है सारी भाभियाँ बहनें और माएँ जो हैं एंटर हुई थी, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ढोल के साथ जो है दूल्हे का वेलकम हो रहा है, और ढोल जो है पता है बहनें लेकर आती हैं भाइयों के लिए, तो बाजी लोग जो है ढम ढोल लेकर आए। और अभी जो है पहले बहनों की एंट्री हुई, और अभी जो है भाभी पापा और भाई आ रहे हैं दूल्हे को लेकर। सो गाइज थ्रू आउट द मेहंदी इवेंट पापा वॉज़ वेरी इमोशनल, और खुशी के आंसू थे पापा की आंखों में, और पापा रोते रहे एंट्री में भी, क्योंकि पापा बहुत छोटे थे जब मेरे दादा की डेथ हो गई थी। तो पापा के पहले बेटे की शादी थी, तो बहुत पापा खुश थे, और खुशी से पापा जो है बार बार इमोशनल हो रहे थे, और हम सब भी फिर बहुत इमोशनल हुए। और
इश्क़ सहरा कली कली हो गया है, दुनिया से मेरा कली
चलें जी, इवेंट ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है और अभी ये फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली डिनर हो रहा है। एंड में हमारी रिवाइज जो शादी के हर एक इवेंट में जो सबसे एंड में मिलके हम खाना खाते हैं, तो ये वो है। और ये वेलकम ड्रिंक, पानी पूरी और ये बन कबाब के स्टॉल लगे थे। मेरे मुझे कुछ टाइम नहीं मिला कि किसी भी चीज़ की वीडियो बनाऊँ और मैं बहुत बिजी थी, बट फिर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, सबके लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ये था जी हमारा खाना, ये है कढ़ाई, पराठे, कीमा, भुजिया और कचौरियाँ, इसमें पता नहीं क्या था, इसमें बिरयानी, मीठा कस्टर्ड एंड गुलाब जामुन एंड ऑल द सैलड्स। So guys, this is it for today's vlog. I hope you like it and please make sure to subscribe to my channel, like this video, hit the bell icon and stay tuned for the wedding vlog. Or main try kar rahi hu main jald se jald vlog upload karun, but somehow nahi ho pate. So take care guys, god bless you all and see you in the next vlog.